न क्रिएट यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वॉन्ट इफ यू हैव द पैशन द एनर्जी द हसल एंड कमिटमेंट टू योर विजन टूडे इज नाइनटीन ऑफ फेब्ररी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लेट इस क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक सी लिसनिंग लिसन और साइलेंट लिसन एंड साइलेंट सेम वर्ड से बना है सेम अल्फाबेट्स कैरेक्टर से बना है लिसनिंग People who listen to reply and people who listen to understand. As an administrator, it is supposed, as a leader, it is supposed you have to listen more. We listen to reply. The greatest problem with communication is we don't listen to understand. Listen with curiosity, speak with honesty, act with integrity.

इम्प्रेमेटोर इसका मतलब होता है इजाजत एंड एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग समरी टेंडर बॉक्स है मतलब हिंसक स्थिति है अ पोटेंशियली प्लेस और सिचुएशन खुश मिजाजी चेयरफुलनेस फ्रेंडलीनेस जेनाइलिटी कॉन्फाइड मतलब गुप्त बात कहना टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स सो ये वो कैब वर्ड है आज के लिए दिस इज कॉन्फाइड बोनहूमी इंजंक्शन इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पोर्टेंट वर्ड राइट डाउन विदिंग इन दमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन सोल्व इट दिस इज क्वेश्चन नंबर टू एक पैराग्राफ दिया है और आपको बताना है क्या प्रैक्टिकली और लॉजिकली यहां पर वैलिड है दिस इज बार्ड ए आई बार्ड ए आई सी अभी चैट जीपीटी काफी न्यूज में था चैट जीपीटी का जो जवाब है Google, उसको हम बोल सकते हैं हैं? कैसे होते हैं? जैसे हम हमारे फ्रेंड से बात करते हैं यू टॉक टू योर फ्रेंड्स सिमिलरली देर इज एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक बॉट है कंप्यूटर है उससे आप बात कर रहे हो और वो आपके सारे जवाबों को दे भी रहा है, आपको सारा आंसर कर रहा है आपकी क्वेरीज को सो so, इनको बोलते हैं चैट बॉक्स ये ए आई इनेबल्ड चैट बॉक्स है सो वन सच इज चैट जीपीटी और ये है गूगल का आंसर चैट ए आई बार्ड सो ये जो बार्ड है ये लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लामडा एल ए एम डी ए लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन पे बेस्ड है सो दिस इज कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन करते हैं दिस इज कॉन्वर्जेशन ए आई चैट बॉड इट इज टर्म्ड एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्जेशनल ए आई सर्विसेज एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्जेशनल ए आई सर्विसेज ये एक लाइट वेट वर्जन है और रिक्वायर सिग्निफिकेंटली लेस कंप्यूटिंग पावर और इसको हम लाइक जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं सिमिलरली हम चैटबॉट से बात करके वी कैन आस्क क्वेश्चंस और ये चैटबॉट हमारे सारे सवालों का जवाब देगा सो चैट जीपीटी था बाय माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड सर्विसेज एंड दिस इज गूगल का बार्ड ए कुछ दिनों से ये न्यूज में है बलून्स ये बलून्स हैं इनको चार्जेस लगाया जा रहा है बाय चाइना चाइना इसको एज अ सर्वेलेंस टूल यूज कर रहा है यूएसए ने चार्जेस लगाए ये हीलियम फिल्ड बलून हैं सोलर पैनल्स इसमें प्रोवाइड कर रहा है पावर एंड द थिंग इज इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैजेट्स हैं जैसे कैमरा रडार सेंसर कॉम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स सो ये जो बैलून्स हैं ये सर्वेलेंस बेलून की तरह काम कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस बलून सो so, इनको स्पाई बलून्स कहा गया है ये अस्सी हजार से एक लाख बीस हजार फीट की हाइट पे क्रूज कर रहे हैं वेल अब द क्रूजिंग एल्टीट्यूड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट और इनमें जो गैजेट्स लगे हैं वो गैदर कर रहे हैं इंटेलिजेंस कैरी आउट अदर मिलिट्री मिशन सो कोल्ड वॉर के टाइम पर भी यूएस ने इस टाइप के बलून्स यूज किए थे टू स्पाई ऑन द सोवियत यूनियन ये इकोनॉमिकली वायबल होते हैं सैटेलाइट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बलून्स आर रिलेटिवली चीपर बट दिस डिसएडवांटेज ये होता है कि इनमें हम बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इसको स्टेयर नहीं कर सकते वी कैन ओनली गाइड दम सो अगेन कोल्ड वॉर टू पॉइंट वो जैसी टेक्टिक्स हैं यूएसए एंड चाइना सो दिस इज बार्ड ए आई एंड दिस इज बाय बलून नाउ लेट इज कम टू द हिंदू न्यूज पेपर सोशल मीडिया अपडेट हम कल से वापस रिज्यूम कर लेंगे दिस इज द हिंदू संडे एडिशन दिल्ली लेट इस क्विकली स्कैन दिस न्यूज पेपर तो फर्स्ट जो न्यूज है वो है चीता की चीता 12 चीता ट्वेल्व चीताज अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से ये ट्वेल्व चीताज अभी इंडिया आए गए हैं ये सेकेंड बैच है इससे पहले भी कुछ चीताज बुलाए गए थे ये जो चीता है ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और टोटल चीता काउंट अब यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी सो इंडिया में एशियाटिक चीता थे इन एशियाटिक चीता बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस एशियाटिक चीता एक्सटिंकट इन वाइल्ड हो गए नाउ हम इनको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरा अफ्रीकन चीताज। और ये है कूनो नेशनल पार्क में ब्राइड शॉर्टेज इन चाइना मैन पे मोर डाउरी इंडो इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अवर आईज एंड ईयर्स ऑन चाइना बॉर्डर इसको आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे नो दिस इज अगेन वर्ल इम्पॉर्टेंट न्यूज एयर इंडिया जम्बो ऑर्डर बेर्स पायलट पिंच सी ऑलरेडी हिट बाय शॉर्टेज ये एयर इंडिया है एयर इंडिया पहले नेशनल कैरियर होता था अभी इसको टाटा ने परचेज कर लिया है एयर इंडिया का जो ये एयरक्राफ्ट है अभी काफी huge order दिया है एयरक्राफ्ट का एयर इंडिया ने बट द पॉइंट इज क्या ये जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है इसको फ्लाई करने के लिए हमारे पास सफिशियंट पायलट pilot है पायलट है एयरलाइन ग्रुप विल नीड ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड टू एट थाउजेंड पायलट ओवर द कमिंग ईयर टू फ्लाई द न्यू प्लेन इट है तो जंबो ऑर्डर है 470 एयरक्राफ्ट्स का है और ये रोलर कोस्टर लाइक जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में पास्ट सम टाइम से काफ़ी डिफिकल्टीज हुआ स्पाइस एयरवेज हमने देखा देन एयर इंडिया का सेल हुआ विस्तारा भी है इंडिगो भी है प्लस कुछ पास टाइम से डिफिकल्टी आ रही है पैसेंजर्स एंड क्रू के बीच में जो लाइक like, डिफिकल्टी uh, हो रही है सो द पॉइंट इज द पॉइंट इज एयर इंडिया एयर इंडिया और एविएशन इन इंडिया अभी एक चर्न के फेस से निकल रहा है हम उड़े देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक तो एयर इंडिया और जो एयर ट्रेवल है जो पहले एक नीच माना जाता था उसको हम आम आदमी आम ऑर्डिनरी पीपल की रीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं सो वेयर विल द सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड पायलट्स नीडेड टू फ्लाई दीज एयरक्राफ्ट कम फ्राम सो दैट दिस इज गुड कि हम ऑर्डर कर रहे हैं एयर बस बोइंग दोनों से ऑर्डर कर रहे हैं आगे इसका एक लीड आर्टिकल भी है बट द पॉइंट इज कि क्या हमारे पास सफिशेंट सफिशेंट पायलट्स एंड सफिशेंट स्टाफ बैकग्राउंड स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है हमें उसको भी प्रिपेयर करना जरूरी है सो so ये सेवेंटी वाइड बॉडीड ट्वें ट्वेन आयल जेट्स हैं फोर्टी एयरबस है बोइंग है सो दिस इज देर अब जो सेकेंड न्यूज है सेकेंड न्यूज इज अबाउट जीएसटी एस टी ट्राइब्यूनल गेट्स नोड ड्यूज ऑफ स्टेट्स क्लियर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया जीएसटी पैनल बना जीएसटी काउंसिल हुआ जीएसटी काउंसिल को जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन वो हेड करती हैं अब द पॉइंट इज जीएसटी काउंसिल के बाद भी जीएसटी में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर इसमें सेंटर के tax state के टैक्स टैक्स हैं स्टेट हैं और इंटीग्रेटेड टैक्स टैक्स भी है अब ये tax का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई विवाद है तो अभी ये सारे विवाद जा रहे हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बर्डन हो गए हैं जीएसटी से रिलेटेड सारे अपील्स एंड सारे केसेस को सुनने में सो so, अब अब बनते हैं ट्राइबुनल्स। ट्राइबुनल्स क्या होते टू कोर्ट। कोर्ट तो लिसन फॉर एग्जांपल नेशनल ट्राइब्यूनल बनाने की बात है जिसमें जीएसटी रिलेटेड जो केसेस है वो सारी अपील एटसेट्रा इन ट्राइब्यूनल पे किया जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल ऑन सैटरडे रीच द ब्रॉड कंसेंसस Long of GST so, जो क्लॉग कर रहे हैं हाईकोर्ट एंड अदर जुडिशियल फोरा में अब वो एक डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल में सुने जाएंगे सो दिस इज जी एस टी ट्राइब्यूनल जीएसटी ट्राइब्यूनल सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट इज दिस पेज नंबर टू एंड दिस इज पेज नंबर थ्री यहाँ पर वेटिंग फॉर दर्शन लाइन अपर प्रेयराचार्य टेम्पल ऑन महाशिवरात्रि इन श्रीनगर ऑन मंडे सी दिस इज लाइसेंसिंग डिविजन दिल्ली पुलिस जी ट्वेंटी का मीटिंग होना है और दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नेशनल कैपिटल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कैपिटल तो नेशनल कैपिटल वी कैन से न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में हम सारी जो दिल्ली का एरिया इंक्लूड करते हैं तो वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो जाता है जो दिल्ली से विधानसभा का क्षेत्र है और इसमें भी अगर हम एनसीआर काउंट कर लेते हैं तो फिर उसमें राजस्थान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिले भी आ जाते हैं सो एनसीआर इज अ बिगर सेट एनसीआर के अंदर एनसीटी एनसीटी के अंदर न्यू दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है कॉमिटेड एवरी मोमेंट फॉर एक्सटेंडिंग सिटीजन फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज सो बी अवेयर ऑफ साइबर फ्रॉड स्टर्स नेवर लीव योर लाइसेंस्ड अनअटेंडेड ऑलवेज कीप इट इन सेफ कस्टडी ऑनलाइन फॉर रिन्यूअल एटलीस्ट थर्टी डेज बिफोर इट एक्सपायर आपको आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा इफ़ यू हैव चेंज योर एड्रेस टेम्परली तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा फैमिली मेंबर्स लीगल एय शुड इंफॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनकेस अगर अगर वहाँ पर डिफिकल्टी आती है डिपॉजिट द लाइसेंस्ड फायर आर्म जुडिजिक्शनल पुलिस स्टेशन पर अगर सम डेथ एटसेट्रा फैमिली में होता है तो सो द पॉइंट इज जो गन्स हैं इंडिया में गन का जो प्रॉब्लम है ये यूएसए जैसा तो नहीं है बट स्टिल गन्स के साथ जो एसोसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करना जरूरी है सो दिस इज लाइक दिल्ली पुलिस जनरल जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड दिस इज केदारनाथ टेम्पल टू ओपन फॉर डिवाउटीज ऑन अप्रैल ट्वेंटी फिफ्थ स्टूडेंट आई आई टी बॉम्बे फॉर्म स्पेनल फॉर पैरल दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर हम देखते हैं हाई परफॉर्मिंग या फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस आ जाती है स्टूडेंट्स बर्डनड फील करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल और इन कई टाइम्स इंस्टीट्यूट्स में जाके वर्क प्लेस में भी जाके जो कॉम्पिटिशन का एटमोसफियर होता है एट टाइम स्टूडेंट्स वहाँ पर मेंटल इमोशनल हेल्थ को डिटीरियोरेट होता हुआ पाता है दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन एम्पेथेटिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टॉक अंडर वाटर नॉइज एमिजन पोज थ्रेड टू मेरीन लाइफ नो सी अभी हमने गंगा विलास देखा था गंगा विलास और इसमें हमने देखा कैसे क्रूज ने फ्लो किया नेशनल वाटर वे वन नेशनल वाटर वे टू जो जो वाटर वे है ट्रांसपोर्टेशन दिस इज चीपर दिस इज चीपर और इसका पोटेंशियल भी बहुत है बट द पॉइंट इज वाटर वेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है चाहे वो रिवर्स हो या ओशंस इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का

ऑलिव रिडली टर्टल्स मिले वाइजाक के कोस्टल स्ट्रेच में सो द पॉइंट इज की जो जो शिप्स होती हैं कंटेनर्स होती हैं इनकी एक्टिविटी से नॉइज पॉल्यूशन होता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं सो देर इज अ नीड टू डेवलप ग्रीन पोर्ट जो नॉइज लेवल है पॉइंट फाइव फाइव डी बी पर ईयर से हम उसको रिड्यूस करें स्पीड ऑफ शिप भी है उसको हमसे मैग्जिम फाइव नॉट्स पर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें रीराउटिंग करें शिप शिप्स को सो दैट वो डैमेज नहीं करें वहाँ की एक्वेटिक एनिमल्स को राइजिंग मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज एमिजन अंडर वाटर नॉइज एमिजन बढ़ रहा है इंडियन वाटर्स में सो इससे डॉल्फिन और ऑल टाइप ऑफ लिक लाइक एक्टिक एनिमल्स को डिफिकल्टी हो रहा है द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर मल्टीपल बिहेवियरल एक्टिविटीज ऑफ मेरीन एमल सी जब बहुत नॉइज होता है या बहुत ज्यादा लाइट का भी पॉल्यूशन होता है तो जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं या फिर जो एनिमल्स का नॉर्मल रूटीन है पैटर्न है मेटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है इनका तो विच इंक्लूड्स मेटिंग कॉम्यूनल इंटरेक्शन फीडिंग क्लस्टर कोहेजन फोरेजिंग इज बेस्ड ऑन साउंड एंड व्हेन देर इज टू मच ऑफ साउंड एनिमल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनका जो डेली रूटीन लाइफ है वो इम्पैक्ट होता है इंजुरी होता है लॉस ऑफ हियरिंग होता है बिहेवियरल रेस्पॉन्स चेंज हो जाता है स्ट्रेस में एक्यूट क्रोनिक नॉइज़ कैटेगरी से होते हैं अब इसमें ये पैरामीटर्स है हमें ग्रेजुअली नॉइज एमिशन कम करना है अंडर वाटर नॉइज एमिशन चाहे वो पोर्ट्स में हो इवन इनलैंड वाटर वेज में भी वी हैव टू रिड्यूस इसको मेजर किया जाता है हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन है ऑटोनोमस सिस्टम है जो नॉइज को नॉइज को मेजर करता है सो सिंगल चैनल हाइड्रोफोन डिप्लॉय किया गया है कि नॉइज पॉल्यूशन को कंटेन किया जाए सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर नॉइज एमिशन कम करना है So that, जो life है, उसको हम सेफ गार्ड करें नो प्लेस फॉर डेड डॉग्स एक्टिविस्ट सीक अकाउंटेबिलिटी नोट सी दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस मैटर एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने बताया सिम्बॉलिक डॉग कारकास्ट को जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं डॉग्स को ह्यूमन का बहुत अच्छा फ्रेंड माना जाता है सो so, डॉग्स जो हैं स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स हैं स्ट्रेट डॉग्स हैं इनके प्रति भी हमारी जवाबदेही बनती है Then this is averting accidents. तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा इन विजयवाड़ा यहाँ पर अलर्ट है सी डिजास्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस कि आप डिजास्टर को होने ही नहीं दो और डिजास्टर को एंटिसिपेट करके अपना होमवर्क करके रेडी रहे

मुन्नार केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ माइनस वन सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा गया और यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी है सो so, सडन जो चेंज हो रहा है चिली वेदर है सब जीरो वेदर है इससे प्लांटेशन क्रॉप पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ये जो केरला है इसको स्पाइस कैपिटल बोला जाता है यहाँ कॉफी टी कार्डमम कोकोआ ब्लैक पेपर ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती है सो दिस इज़ हिल प्लांटेशन कॉमेडी मुन्नार ओके सो मर्करी डिप्स टू सब जीरो लेवल्स अगेन अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे एक था ड्यू और दूसरा था फ्रॉस्ट अगर सब जीरो पे हो रहा है तो वहां पे ओस नहीं जमती है वहां पे फ्रॉस्ट जमता है बर्फ जमती है और इसके कारण टी ट्री प्लांटेशन जो है यहाँ डैमेजेस हो रहे हैं देन दिस इज नेक्स्ट पेज सेंक्शन हिट रशिया प्रपोजेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट सिविल जेट इन इंडिया यू ए चैप्टर्स ऑफ बिजनेस काउंसिल सेट टू बूस्ट ट्रेड

तो ये मट्टूर विलेज है कर्नाटका में यहाँ पे रेसिडेंट स्पीक ओनली संस्कृत एंड इन सारे विलेजेस को ऐसे राजस्थान में भी है बिश्नोई विलेजेस इन सारे विलेजेस को हम रूरल टूरिज्म के स्पॉट के थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं सी ये जो रूरल टूरिज्म होता है ना इसका बहुत बड़ा मार्केट है टूरिस्ट वांटिंग टू विजिट रूरल इंडिया एग्री टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर इको टूरिज्म वाइल्ड लाइफ ट्राइबल टूरिज्म होम स्टेज इसका एक ह्यूज मार्केट है कोविड नाइनटीन के बाद कोविड नाइनटीन के बाद सी भी आ गई है और सी आने के कारण ये वापस टूरिज्म एक्टिविटीज फिर से फ्लरिश हो रही है सो वी नीड टू एनकरेज दिस सस्टेनेबल टूरिज्म विलेज क्लस्टर्स एटसेट्रा में ट दार्जिलिंग carpet. Carpet, और सिक्किम हिमालय में ये हायर एल्टीट्यूड में मिलता है सो so, ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फिर से अभी थर्ड ऑफ ऑल टाइप ऑफ रोडोड्रॉन फाउंड इन इंडिया रिवील द लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग एंड सिक्किम में सो so, ये इलेट्रेटेड है और दार्जिलिंग एंड सिक्किम कॉम्प्राइज करता है पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया हाईलैंड जो है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है अंडर थ्रेट है और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है सो इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब होता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रोड एंड एंड उसको तुरंत इंडिकेट करता है सो so, अगर हम इनकी पॉपुलेशन को देखें पैटर्न को देखें सो वी कैन ईजिली गेज की अभी क्या एटमोसफियरिक एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं

मेन पे राइजिंग डाउरीज एज ब्राइट प्राइस सर्ज इन चाइना बिकॉज चाइना में भी वन चाइल्ड पॉलिसी थी और यहां पर भी जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन कोविड नाइन्टीन का जो ओरिजिन क्या इसका कनेक्शन वुहान लैब से है या फिर इट इज सिंपली जोनोटिक डिसीज जो एनिमल टू ह्यूम जम्प हो गया लेटेस्ट सी दिस इज़ फिजिकल कॉम्पटिशन इफेक्टिव फॉर राइजिंग वेल पॉपुलेशन सी कॉम्पिटिशन से भागना नहीं चाहिए उसको फेस करना चाहिए खुद को इम्प्रूव करना चाहिए फिजिकल कॉम्पिटिशन इफेक्टिव फॉर राइजिंग वेल पॉपुलेशन इससे डेवलपमेंट होता है प्रोग्रेस होती है सो यहाँ पे हम्प बैक वेल्स का बिहेवियर बताया है सोशल बिहेवियर है इनमें कॉम्पिटिशन होता है कॉम्पिटिशन होता है तो दे डू बेटर दे डू बेटर स्पेशली जैसे मेटिंग टैक्टिक्स होती है इनकी अवॉइड अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग मेल्स टू द पोटेंशियल मेट सो दिस इज फिजिकल कॉम्पिटिशन दिस इज से फाइट फ्लाई है फ्लाई है मखी फ्रोम्स ये क्या होते हैं सेंस होते हैं ये सेंस होते हैं देट कैन करब डिसीज दे स्प्रेड न्यू इंसाइट है फ्लाई का ये जो डिसीज कॉजिंग भी होती है ये ये जो फ्लाई है दिस इज डिसीज़ कॉजिंग एंड इंसेट्स प्रोड्यूस वोलाटाइल दिस सेंड इनका मेटिंग बिहेवियर होता है इन्फेक्शन जो होता है यहाँ पर एंड देन रिड्यूसिंग मेटिंग रिसेप्टिवली इन फीमेल सो दिस इज अगेन एक्चुअली ये जो एनिमल्स होते हैं फ्लोरा एंड फोना 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 का ये टैक्टिक्स होता है जैसे टाइगर भी होता है फॉरेस्ट में टाइगर जाता है वो अक्सर बार्क ऑफ ट्री को ऐसे स्क्रैच करेगा या फिर वो यूरिनेट करता है ये एक काइंड ऑफ लाइक मैसेज है कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टाइगर न्यू फॉर्म ऑफ मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस डिस्कवर हुआ है ये ऑर्डिनरी आइस का लो टेम्परेचर अ प्रोसेस दैट विगरसली शेकिंग टू क्रायो क्रायो मीनस टेम्परेचर इज वेरी लेस और या मीडियम डेंसिटी का अमोरफस आइस यहाँ पर डिस्कवर हुआ है ट्वेंटी नॉन क्रिस्टलाइन फेसेज ऑफ वॉटर आइस यहाँ पर फाउंड हुए दिस इज ह्यूमन एनसेस्टर्स हमारे एनसेस्टर्स अफ्रीका से आए हैं लेक विक्टोरिया कीनिया में अराउंड 2.9 पॉइंट नाइन मिलियन ईयर्स अगो ऑल ह्यूमन बींगस हमारा इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम अफ्रीका लेक विक्टोरिया कीनिया और इवोल्यूशन हुआ हम अलग डिफरेंट प्लान डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गए एंड फिर हमने अलग चाइनीज देन कॉकेशियन इस तरीके से अलग हो गए तो अभी भी जो रूट्स हैं वो हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं तो 2.9 मिलियन ईयर्स अगो यहां पर इस तरीके से माइग्रेशन हुआ था और हमारे एनसेस्टर्स इस तरीके से मूव आउट हुए थे सी ये जर्नी कहलाता है ये अफ्रीका से जैसे स्टार्ट हुआ अफ्रीका से से दे वेंट टू से मिडिल ईस्ट देन इधर से यूरोप गए फिर वो एशिया इंडिया ऐसे कवर करते हुए चाइना एंड ये जो पार्ट है उसमें अमेरिका भी कनेक्टेड है एशिया से आ, दिस चुप दिस रशिया का ये जो पार्ट है एंड दिस अलास्का यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है कनेक्टेड है तो the point is, इस तरीके से ये humans का माइग्रेशन हुआ और फिर हम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में मूव आउट हुए थे देन यहां पे बात है सर्वेलेंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज वाइटल सर्वेलेंस जरूरी होता है सो दट डिसीज आउटब्रेक को हम पहले ही आइडेंटिफाई करके हम नलीफाई करते हैं एक्टिव सर्वेलेंस ऑफ पोल्ट्री इम्परेटिव है पोल्ट्री डिस पोल्ट्री प्रोडक्ट पे डेयरी प्रोडक्ट्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं सो दैट इज वाई डेयरी प्रोडक्ट्स पोल्ट्री को सर्वेलेंस करना जरूरी है एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनका बिहेवियर ट्रांसमिशन ऑफ वायरस किस तरीके से हो रहा है बिकॉज जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइस जूनॉटिक डिस लेक्स और वेटलैंड होते हैं ये एनवायरमेंटल रिजर्वायर होते हैं और यहाँ बर्ड्स का भी इनटेक होता है बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है सो स्प्रेड ऑफ वायरस का पोटेंशियल हॉटस्पॉट होता है ये सो एनवायरमेंटल सर्वेलेंस जरूरी है नॉन इन्वेजिव टूल है हम एक नजर रखें सो दैट सडन आउटब्रेक ऑफ लाइक एवियन इन्फ्लुएंजा एच फाइव एन वन फ्लू टाइप हम उसको चेक कर पाए देन सेकेंड ऑबराइट मीटियोराइट फाउंड इन इंडिया इन वन सेवेंटी ईयर्स सो इसके कुछ पीसेस यहाँ पे मिले हैं दिस पर मिला है है रेयर स्पेसिमेन अब सी यूनिवर्स हमने देखा यूनिवर्स कैसे बनता है यूनिवर्स में प्लैनेट्स बन गए और बहुत सारा जो पार्टिकल है वो प्लैनेट्स नहीं बन पाया और वो काइंड ऑफ लाइक मीटर बेल्ट है वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे ट्रेवल कर रहा है मेनी टाइम्स यहाँ के कुछ एस्ट्रॉयड फ्लो होते हैं आउट ऑफ लाइक दिस ट्रेजेक्ट्री से होके अर्थ की तरफ आएंगे अर्थ की तरफ आएंगे तो अर्थ का जो एटमोस्फेर है वो इसको मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड अगर स्मॉल साइज के हैं मीट्योर उसको बर्न कर देगा बट सम सम पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बर्न नहीं होते वो सरफेस तक पहुंचते हैं तो दो आर कॉल्ड मीटियोराइट तो अगर हम इनको स्टडी करें तो वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई कि वंस अपॉन अ टाइम अर्थ का भी इवोल्यूशनरी ऐसा जर्नी रहा होगा और अर्थ भी इससे किस तरीके से सिमिलर है तो वी कैन लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग वी कैन लाइक टेल कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा तो दिस इज मीटराइट अब दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसमें पहला आर्टिकल है इज देर ए नीड फॉर एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ पोलियो पोलियो वैक्सीनेशन ऑफिशियली इंडिया पोलियो फ्री है वेस्ट बंगाल में एक एडिशनल डोज देने की बात है पोलियो वैक्सीनेशन का प्रिकॉशनरी डोज

जो वैक्सीनेशन है वो कैसे वर्क करती है वायरस का वायरस का या तो वीकेंड फॉर्म या इनएक्टिवेटेड या डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी उस वायरस को देख के हमारा इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है प्रिपेयर हो जाता है सो नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो अवर इम्यून सिस्टम इज रेडी सो दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वर्कस तो पोलियो की वैक्सीनेशन है वो ऐसे यहाँ पे दी जाती है पोलियो क्या होता है पोलियो इंपैक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नर्व सेल्स डैमेज होने लग जाती है और रिवर्सिबल पैरालिसिस भी इससे होता है पोलियो वायरस जो होता है टाइप वन टू थ्री में हो सकता है इंडिया पोलियो लर्निंग एक्सचेंज देन पोलियो का कोई एस सच क्योर नहीं है बट इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं उनको मेडिसिन के थ्रू हम एक नॉर्मल लाइफ उनको कंटिन्यू कर सकते हैं पोलियो द वर्ड इन बाइंड ऑफ फीयर सॉक जोनासॉक सॉक ने पहली पोलियो वैक्सीनेशन बनाया था इसके बाद अल्बर्ट सैबेन ने लाइव पोलियो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया फिर वो इंजेक्टेबल हुआ और फिर उसके बाद दिस पोलियो के ड्रॉप्स भी हुआ हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना अमिताभ बच्चन एंड सेलिब्रिटीज दो बूंद जिंदगी की दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलियो सो पोलियो की वैक्सीनेशन अवेलेबल है इफेक्टिव भी है ऑल वी है टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाए इंडिया पोलियो फ्री है 2012 में इंडिया ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को बट द पॉइंट इज जैसे हमारे नेबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहां पर अभी भी पोलियो के काफी केसेस देखने को मिलते हैं सो एट टाइम्स ये जंप नहीं हो जाए वी हैव टू लाइक सर्वेलेंस रखना है मॉनिटरिंग करना है और प्रॉपर पोलियो शॉर्ट्स बच्चों को प्रोवाइड कराने ग्लोबल पोलियो क्राइसिस जेनेरिक वेरियंट ऑफ वैक्सीनेशन इम्पोर्टेड फ्रॉम एन अनून सोर्स डिटेक्टेड इन वेस्ट वाटर इन जेरोसलम लंदन एंड न्यूयॉर्क सी एट टाइम्स क्या होता है एप्रीहेंशन भी होते हैं और वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी भी होती है और इससे क्या होता है कि पोलियो कंप्लीटली अभी हम एलिमिनेट सम ऑफ वर्ल्ड में नहीं कर पाए ओके देन पीपल एज्यूम वायरस ट्रांसमिशन इज वाया द फीकल ओरल रूट बट वॉट अबाउट इन लंदन न्यूयॉर्क यॉर्क वे देर आर हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन और वहां पर भी ट्रांसमिशन हो रहा है इसका भी बहुत सारी थ्योरी हो सकती है प्राइमरली हम ये बोलेंगे कि वायरस बिकॉज म्यूटेट भी करता है जैसे कोविड वायरस म्यूटेट कर रहा था तो इट म्यूटेट सो फ्यूचर क्या है पोलियो को डिफीट करना है देर इज नो सेकेंड थॉट ऑन दैट पोलियो को डिफीट करना है वैक्सीनेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन से हाउ इज द स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड इन इंडिया इसका सिंपल सा आंसर है स्टॉक मार्केट क्या होता है स्टॉक मार्केट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है और उन शेयर्स को लाइक सेल एंड परचेज होता है ओपन मार्केट है इंडिया में बट सर्टेन रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड कि जैसे स्टॉक मार्केट्स में जो शेयर्स हैं उसको मैनुपुलेट तो नहीं किया जा रहा है स्टॉक मार्केट्स के जो शेयर है वहां पे से इनसाइडर ट्रेडिंग से उसको अफेक्ट तो नहीं किया जा रहा है तो इन सब स्कैम्स को रोकने के लिए एक बॉडी आती है जिसका नाम है सेबी रेगुलेटरी so, बॉडी like जो पूरे स्टॉक मार्केट को गवर्न करती है रेगुलेट करती है सो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला फ्रेमवर्क हैफिशियंट है बिकॉज यू नो स्टॉक मार्केट में भी टाइम टू टाइम न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे अभी कॉम्प्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई अब इसमें लाइक सुपर कॉम्प्यूटर्स एक्सेट्रा भी सो द पॉइंट इज द पॉइंट इज स्टॉक मार्केट में एट टाइम्स जो स्कैमस्टर्स होते हैं स्कैमस्टर्स होते हैं वो नए नए तरीके ढूंढते हैं लॉज के विद इन कैसे प्ले किया जाए और किसी लूप होल को फायदा कैसे उठाया जाए तो सेबी को भी उतना ही एक्टिव होकर कोशिश करना चाहिए कि वो लूप होल्स को प्लग करे लूप होल्स को प्लग करे और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को फ्रॉड और डिसमैनुपुलेशन से सेव गार्ड करे तो ये सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को जिसे लाख एंड लाख ऑफ करोड रुपए यहां पे लॉस्ट हुआ सो तो इसको सेफ गार्ड करे अब गवर्निंग लॉज क्या है पहला है कंपनीज एक्ट 2013 दूसरा है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइन फिफ्टी डिपोजिटरीज एक्ट नाइनटीन ये तीन चार लॉ है सबसे ऊपर ये सेबी होता है सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है लेजिस्लेटिव बॉडी है दिस इज इंपॉर्टेंट बॉडी ये सारा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी के पास बहुत सारे पावर्स भी होते हैं ये लाइक वहां पे लाइक वहां पे रूल्स बना सकता है इंस्पेक्शन कर सकता है मॉनिटरिंग कर सकता है सेबी को पेनल्टी लगाने का भी ऑफर है पेनल्टी का भी यहाँ पर दिस पावर दिया गया है तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी जितनी लिस्टेड सिक्योरिटीज है से भी उनको उनके वर्क को उनकी बुक्स को उनके रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकता है से भी स्टेप कर सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी अगर मार्केट वॉलेटिलिटी जेन्यन है फॉर एग्जांपल रेसेशनरी टेंडेंसीज हैं या फिर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया ऐसे ऐसे फियर्स हैं ऐसे शॉक्स लग रहे हैं तो से भी सच इंटरव्यू नहीं करता बट अगर मार्केट को प्लान के थ्रू मैनुपलेट किया जा रहा है देन जरूर यहां पर इंटरवीन करता है कई बार क्या होता है ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है बाइंग सेलिंग डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेजिंग सब को हॉल्ट हॉल्ट लग लग जाता है। लग जाता है है सिक्योरिटी आर द गाइडलाइंस ऑन फंड रेजिंग अब फंड रेजिंग क्या होता है यू हैव टू लाइक बिजनेस करना है तो यू नीड मनी फॉर दैट बिजनेस के लिए मनी की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे अपने कंपनीज को पब्लिक लिस्टेड कर दोगे इनिशियल पब्लिक ऑफर लाओगे अपने शेयर्स बेचोगे जो आपका शेयर खरीद रहे हैं वो आपका कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स हो गए सो यू आर लाइक रेजिंग फंड्स रेजिंग फंड्स इसमें प्रॉपर बुक्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है इस तरीके से शेयर्स पहले तो आईपीओ के खरीदे जाते हैं फिर उसका सेल एंड परचेज होता है उसका सेल एंड परचेज होता है शेयर्स का और फिर अगर इफ अ कंपनी इज डूइंग गुड एग्जाम्पल उसका आईपीओ हंड्रेड में आया और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो उसका एक शेयर एक हजार रुपए का हो गया तो जिसके पास सौ रुपए का एक शेयर था अब उसके पास हजार रुपए हो गए तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है शेयर्स को बेचा जाता है शेयर्स को खरीदा जाता है अब कुछ लोगों ने कुछ एक ग्रुप ने सपोज बहुत सारे शेयर्स बेचने चालू कर दिए और ऐसा एक परसेप्शन बन गया कि कंपनी इज नॉट डूइंग गुड कोई एक रिपोर्ट आती है और उसमें ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट डूइंग गुड और उसके शेयर्स सेल होने लग जाते हैं मार्केट में अनसर्टेनिटी होने लग जाती है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का लूज होने लग जाता है तो सपोज उसके शेयर्स हजार पे बिक रहे थे वो शेयर्स आ गए अब सौ पे सौ पे बिकॉज इतना लॉस हो गया अब क्या होगा जिसने हजार रुपए पे शेयर बेचे अब वो सौ रुपए पे आ गया तो उसने हजार में शेयर बेच दिए थे जैसे अब शेयर की नई कीमत ये पुरानी कीमत है ये नई कीमत है ये सेलिंग प्राइस है और अब एक न्यू प्राइस इसकी 100 आ गई तो आपने पे उसको बेच दिया फिर उसके शेयर को आपने नीचे गिरा दिया शेयर जब सौ रुपए पे आ गया तो आपने वो शेयर फिर से खरीद लिया तो आपके पास पहले भी उस कंपनी का शेयर था आज भी उस कंपनी का शेयर है बट इस सेलिंग और वापस रिपर्चेजिंग में आपने नौ सौ रुपए कमा लिए सो दिस इज हाउ एट टाइम्स इसको मैनुपलेट किया जाता है शॉर्ट सो इस पे फिर से भी इंटरवीन करती है और कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग होती है इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी का आपको कोई लाइक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने शेयर कर दिया किसी से और कंपनी के डिसीजन शेयर मार्केट में उसके शेयर उससे इम्पैक्ट होंगे और फिर आपने बाइंग एंड सेलिंग किया तो वो भी अगेन रॉन्ग अनएथिकल कहलाया जाएगा द रूल्स रेगुलेशन से भी यहाँ पे बनाता है एस और इसको मॉनिटर करने की कोशिश करता है पहले क्या होता था कि आपने एक शेयर खरीदा और फिर उसको एक्चुअली मटेरियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता था अभी सेटलमेंट टी प्लस वन हो गया मतलब आज शेयर खरीदा है और टी प्लस वन साइकिल में वो आपका सेटल हो जाएगा तो दिस इज अगेन ऐसी चीजें की जा रही है ताकि बीच का विंडो कम हो क्योंकि जो सेलिंग और सेटल के ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट के बीच का जो टाइम होता है इसमें अक्सर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं सो so, फगार्ड करना जरूरी है इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट्स एज सच एप्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट्स इज नॉट बैड बट द पॉइंट इज जो रेगुलेटरी बॉडीज है हमारी और इन्वेस्टर्स का भी हमें जागरूकता होना चाहिए कॉमन सेंस भी होना चाहिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए वाई हेज एयर इंडिया ऑर्डर एयरक्राफ्ट इन बल्क बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ता मार्केट है फॉर दिस एविएशन इंडस्ट्री कुछ ही टाइम पे टॉप थ्री टॉप फोर में आने वाले 2024 में सो दैट इज वाई हमको इतने प्लेन्स की जरूरत है और एयर इंडिया ने दीज मेनी एयरक्राफ्ट सभी ऑर्डर किए अब ये ऑर्डर आएंगे बोइंग से ये ऑर्डर आएंगे एयरबस से मतलब यूरोप और अमेरिका इकोनॉमी ऐसा नहीं चलती है कि हम सारी चीजें खुद ही कर लें हमें आउटसोर्स भी करना पड़ता है इसी से ग्लोबलाइजेशन होता है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी यूएस की कंपनीज इंडिया में आउटसोर्स करती है वर्क को तो दिस इज लाइक दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंडियाज आइज एंड ईयर्स ऑन द चाइना बॉर्डर यहाँ बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की ये बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस है हमारा और इसका काम है चाइना बॉर्डर को गार्ड करना तो चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न लद्दाख गलवाल में अभी फेस ऑफ हुआ इससे पहले भी आईटीबीपी ने ऐसे रेज किए थे कंसर्न्स कि यहां पे फेस ऑफ हो रहा है अब मई जून 2020 में भी आईटीबीपी ने चाइनीज ट्रूप्स को स्टॉप किया था एल में तो सी आईटीबीपी जो हुआ ये एक सीएपीएफ का बॉडी माना जा सकता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दिस इज नॉट रेगुलर इंडियन आर्मी ये एक मॉनिटरिंग करेगा फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टाइप रहेगा दिस इज आईटीबीपी फौज जो होता है इंडियन आर्मी है वो एक डिफरेंट है वो प्रॉपर फाइटिंग यूनिट होती है आई टी इज लाइन स्पेशलाइज्ड है जो यहाँ पे नॉर्मल केसेस में गार्ड करेगा बट अगर वॉर होगा तो डेफिनेटली आई भी रहेगा बट अगर प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर होता है तो फिर वहां पे प्रॉपर आर्मी आती है इंडियन आर्मी आएगी वहां पे बट नॉर्मल केसेस में यहाँ पे आई टी बी पी यहाँ पे सेफ गार्ड करती है अब इसकी नई और बटालियंस बनाने की बात है तो आई टी बी पी की बटालियंस है तेरह सौ पर्सनल एक बटालियन में हम बोल सकते हैं ये पूरा चाइना का जो बॉर्डर है अरुणाचल देन काराकोरम ये पूरा सेफ गार्ड करता है और ये माउंटेनियस है माउंटेनियस है so they are like trained in such a way कि ये mountain की जो हैं, हैं, इसमें बड़े well -trained होते ड्यूटी बहुत अच्छे से इनको ट्रेनिंग मिलता है तो द पॉइंट इज कई बार डिजास्टर्स भी आते हैं तो आई टी बी पी एनडीआरएफ से पहले पहुंच जाती है बिकॉज दे आर स्पेशलाइज बटालियन तो इससे पहले भी जैसे डिजास्टर्स आए थे कारगिल वॉर पे भी यहां पे हमने बात किया था क्यों ना वन बॉर्डर वन फोर्स हो चाइना की पूरी बॉर्डर जैसे आईटीबीपी देख रही है बीएसएफ देख रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाइक like दैट तो इस तरीके से सीएपीएफ में हमने ट्रेनिंग इनको बेहतर करने का कोशिश किया फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेशनल इनका सीएपीएफ को सीएपीएफ उसके अंदर आती है तो द पॉइंट इज चाइना के साथ डिफिकल्टी है बॉर्डर एरिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और इसमें आईटीबीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होने वाली है आईटीबीपी का और भी काम होता है फॉर एग्जाम्पल कैलाश मानसरोवर यात्रा में कोऑर्डिनेशन कराना लिपू लेक एंड नाथुला में लिपू लेक है, नाथु है उत्तराखंड नाथुला है सिक्किम में देन आईटीबीटी फर्स्ट रेस्पोंडर होती है नेचुरल डिजास्टर जब भी हिमालय में होते हैं जैसे वो तपोवन एनटीपीसी का हो या ऋषि गंगा का हो या फिर इससे पहले क्लाउडबर्स्ट हुआ था ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ था आईटीबीपी फर्स्ट रेस्पोंडर होती है उत्तराखंड फ्लड में भी इनका फॉरेन डिप्लॉयमेंट भी होता है कोलंबो में इनको डिप्लॉय किया गया अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया काबुल में किया गया जलाबाद हैरात मजार शरीफ कांधार में भी आईटीबीपी गई थी तो आईटीबीपी इज लाइक वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेरी वेल ट्रेन फोर्स सीएपीएफ के अंदर इसमें अभी और बैटालियंस अभी हम रेज कर रहे हैं सो दिस इज वन थिंग देन ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड गवर्नमेंट टैप्स कंसल्टेशन टू मोनिटाइज लैंड गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जमीने हैं जो खाली है तो गवर्नमेंट उसको मोनिटाइज करना चाहती है समथिंग लाइक दैट किराया दीपम ने इसके बारे में बताया फ्यूचर स्केप एंड दिस इज एन एस सी एंड दिस इज फोर जी फाइव जी इंडिया में बहुत तेजी से रोल आउट हो रहा है और हम मेजर एक्सपोर्टर भी बनने वाले एंड दिस इज स्पोर्ट्स बिफोर दैट ये फॉरेस्ट है ये मुद्दू मलाई का फॉरेस्ट है मुद्दू मलाई और यहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं मुद्दू मलाई तो ओवर क्राउडेड बताया जा रहा है मुद्दू मलाई को मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व पार्ट है नीलगिरी बायोस्फेयर का हमने बायोस्फेयर भी पढ़ा था नीलगिरी बायोस्फेयर बांदीपुर वायनाथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से बॉर्डर शेयर करता है ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये एक कॉरिडोर है ईस्टर्न और वेस्टर्न कर्ट्स का अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है सो दिस इज द थिंग सॉइल वाटर कंजर्वेशन जरूरी है प्रोलॉन्ग रेन है फ्लावरिंग स्पीशीज भी यहाँ पे ब्लूम हुई है बर्ड्स भी यहाँ पे नेस्ट कर रही है तो यूजुअली यहाँ पर बहुत अच्छा इकोसिस्टम है फॉर दिस एंटायर पॉपुलेशन को कैरी करने के लिए वल्चर्स भी आते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज भी है दिस इज सिल्वर स्प्रे मोयार लाइफ लाइन ऑफ द रिजर्व है मोयार मोयर फुल्यू टू कॉन्टिन्यूस रेनफॉल ये स्वीट डिलाइट है पैराकिट्स है ये फ्लाइट ऑफ फैंसी है ये इंसेक्ट्स है यहाँ पे देन दिस इज मुद्दू दिस इज ब्यूटिफुल दिस इज टाइगर रिजर्व सी ये टाइगर है क्या ये कौन सा एनिमल है टेल बिग कैट विच बिग कैट इज दिस देपर्ड है ओके okay. अच्छा आप बताओ लैपर्ड और पैंथर में क्या डिफरेंस होता है लैपर्ड और पैंथर में क्या डिफरेंस होता है और ब्लैक पैंथर होता है वो ब्लैक पैंथर क्या होता है दिस इज वाइल्ड डॉग्स और यहां पर दिस डियर भी है सो दिस इज वेरी रिच इकोसिस्टम दिस इज मुद्दू मलाई मुद्दू मलाई ऑल राइट अब हम देखते हैं आपके आंसर सबमिशन सो फोर्टी फेब्री है लेट एस सी योर सबमिशन दो सवाल थे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग के क्या पिलर होने चाहिए और हिमालय और पैनन्सुलर रिवर में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए हम बहुत सिस्टमेटिकली नोट्स भी तैयार कर रहे हैं और बेसिक्स हमारे सारे अच्छे से रेडी हो रहे हैं सो आंसर राइटिंग इज अ मस्ट अर्बन प्लानिंग अब ऐसे जो सवाल होते हैं ना इसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो अर्बन प्लानिंग इन इंडिया एमओ मिनिस्ट्री ऑफ दिस एच ने क्या बोला हाउसिंग अफेयर्स देन इश्यूज़ क्या हैं आइडेंटिफाई किया सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग सोशल एनवामेंट अर्बन सारी चीज़ें बताई गुड एंड कॉन्क्लूशन सो दिस इज अगेन वेरी गुड इससे रिलेटेड स्कीम्स लेटेस्ट डेवलपमेंट सब हमें बहुत टिप्स पे याद होने चाहिए इसमें सिंपल हमें बनाना था डिफ्रेंस बताना था हिमालयन एंड पेनसुलर और uh, सौरभ sort of, इसमें एक और हम कॉलम बना सकते हैं जिसमें पैरामीटर लिख दें कि किस पैरामीटर पे हम डिफरेंस दोनों का देख रहे हैं दिस इज रियली गुड डायग्राम एंड ऑल वंडरफुल देन दीक्षा आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है दिस इज बिफोर जंपिंग डायरेक्टली हिमालयन एंड पैनन्सुलर हम बताएं दोनों क्या होता है ड्रेनेज अब सी जैसे यहाँ पे बताया ना प्लेस ऑफ ओरिजिन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज इससे और थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा वेरी गुड अमित ने आंसर राइटिंग शुरू किया है दिस इज रियली गुड वेरियस पिलर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग क्या होते हैं सी This, हमने अर्बन प्लानिंग इंडस वैली से स्टार्ट किया वेरी गुड पूरा टाइम जर्नी हमने ट्रेस किया फेंटेस्टिक दिस इज अ वेरी गुड स्टाइल पिलर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग क्या होते हैं नेशनल अर्बन कोडियो पॉइंट आर रियली गुड लोकल इंप्लीमेंटेशन नीति आयोग की रिपोर्ट भी आ गया की चैलेंजेस वेरी गुड कुछ लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन क्या हो सकते हैं थिंक देन दिस इज हिमालयन एंड पेनसुलर दोनों में डिफरेंस मैप थोड़ा फुल साइज का बनाए फुल साइज का मैप बनाए और दिस इज गुड टैबुलेशन इज गुड वेरी नाइस दीपाली दिस इज गुड चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन एरिया ओके देन इसके बाद पिलर्स बताए आपने देन सर्कुलर इकोनॉमी दिस की वर्ड इज इंपॉर्टेंट लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है ये भी यहाँ पे आप लिखो एक और कॉलम ऐड करो यहाँ पे और उसमें पैरामीटर लिखो किन पैरामीटर के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं okay? उससे थोड़ा और सिस्टमैटिक लगेगा प्रेजेंट कंसर्न इन दिस पार्ट इज रियली गुड रत्ना प्रिया अगेन वेरी गुड आंसर मिटिगेशन क्या होना चाहिए प्लानिंग प्लानिंग से रिलेटेड चैलेंजेस अर्बनाइजेशन वेरी नाइस दिस इज अगेन डायग्राम और दिस को डायग्राम इज गुड और इसको हमें टेबलेट ही करना था वेरी नाइस अदिति दिस इज गुड जोग्राफी इज रियली गुड सी हमने सारे पैरामीटर्स लिखे चैलेंजेस वे फॉरवर्ड कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम सी दिस इज रियली रियली गुड दिस इज ब्यूटिफुल वेरी गुड then conclusion wonderful sundar this is good sundar is again doing really really good see indian river indian river ke types peninsular river aur aur points hum isme thode aur kya likh sakte hain examples ke sath think then varsha difference batana tha apne diagram ke through bataya very good isko tabulate bhi kar sakte ho नंदनी ने लिखा है, नंदनी ने कितना अच्छे से बताया systematic serial number aspect himalayan peninsular this is the way very good then this is really good way forward

नेहा दिस इज गुड अर्बन प्लानिंग क्या होता है रिसेंट फीचर्स, दिस डायग्राम इज गुड इंपॉर्टेंट और पैरामीटर्स लेटेस्ट स्कीम्स ये बहुत अच्छा है साइकिल ऑफ लोकल एस डी जी वंडरफुल वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर है ये वर्षा दिस इज गुड अर्बन प्लानिंग दिस डायग्राम इज गुड इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं Good. तो देखो जितना लिखते हैं उतना फायदा होता है उतना ही बेनिफिट होता है और पता है यही चीज मेंस में काम आती है हम सोचते हैं ना आखिरी दो तीन महीने में जो पढ़ लेंगे वो काम आ जाएगा ऐसा नहीं होना है जो आप साल भर रेगुलर जो पढ़ रहे हो ना वही चीज रिफ्लेक्ट होती है आपके रियल एग्जाम में इट्स अ मिथ की लास्ट डे हम कुछ पढ़ लेंगे वो आ जाएगा ऐसा यूजली होता नहीं है आशा दिस इज गुड अर्बन प्लानिंग न्यूज में क्यों है डायग्राम्स चैलेंजेस वे फॉरवर्ड सारी स्कीम्स स्कीम्स देखो दिस पार्ट इज़ रियली गुड लेटेस्ट इसमें और सारी चीजें क्या हो सकती है वो भी ऐड करिए शीतल बहुत अच्छी कॉपी होती है आपकी हैंडराइटिंग इज गुड हैप्पी सिटीज अभी अच्छा कॉन्सेप्ट है जी ट्वेंटी में भी कुछ लेटेस्ट हुआ वो भी लिखिए वेरी गुड इंफ्रा एनवायरमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वेरी नाइस कॉन्क्लूजन सो दीज आर योर सब्मिशंस इसी तरीके से लिखिए इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस बहुत सिंपल प्रोसेस है बट द डिफिकल्ट पार्ट इज टू राइट यू ऑल्सो नो इट सबसे मुश्किल काम होता है एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूट करना ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ